गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फर्म पार्टनरशिप फर्म में अमलगमेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम की थी वो प्रॉब्लम हमने पूरा दोनों फर्मों में बुक्स क्लोज करके और फिर नई फर्म में बिजनेस रिसीव करके की थी। अब वो पूरा एक इंटायरिटी कंसेप्ट था, टोटल कंसेप्ट था। अब हम इस प्रॉब्लम को वन टू वन जो क्वेश्चंस में दिया है सर वो करेंगे, जिससे आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चंस हम अगर आता है तो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। पढ़े, फर्म एक्स एंड कंपनी कंसिस्ट पार्टनर ए एंड बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 3:2। द फर्म ऑफ वाई एंड कंपनी कंसिस्ट पार्टनर बी एंड सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ऑन 31 मार्च 2012 it was decided to amalgamate both the firms and form a new firm XY and company, where ABC would be sharing profit and losses 4:5:1। okay, ये दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, इन्होंने एडजस्टमेंट दे रखे हैं। गुडविल ऑफ X एंड कंपनी वर वैल्यूड इतना एंड गुडविल ऑफ Y एंड कंपनी वर वैल्यूड इतना। गुडविल अकाउंट नॉट टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म बट एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। बिल्डिंग मशीनरी एंड व्हीकल आर टू बी टेकन ओवर एट रुपीज इतना इतना इतना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर टू बी क्रिएटेड, ठीक है। सो हाउ द गुडविल इज एडजस्टेड एमंग्स द पार्टनर। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 2012 बाई कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल इन देयर पी एस आर बाई टेकिंग कैपिटल ऑफ वीज एज द बेस। द एक्सेस एंड डेफिशिएंट टू बी रिस्पेक्टेड करंट अकाउंट्स, मतलब जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रॉब्लम कितनी सिंपल तरीके से की जा सकती है, इसको हम अभी समझाते हैं। आपको ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको पूरा पेज यूज करना है। मैं चूंकि क्लास बना रहा हूं तो मैं मैक्सिमम विजिबिलिटी फैक्टर के लिए आपको एक ही पेज में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमारे एक तरह से वर्किंग नोट्स हैं जिससे आपको पता रहे कि हमारी वर्किंग हो कैसे रही है, ठीक है। एक हमारे पार्टनर हैं ए बी, ये एक्स एंड कंपनी के हैं। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो 3:2, जो वाई एंड कंपनी है उनके पार्टनर है हमारे बी सी और उनका रेशियो है 5:3। नई फर्म जो बन रही है एक्स वाई एंड कंपनी, उनका रेशियो है 4:5:1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर एक तो हमसे पूछा कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे गुडविल का, तो एडजस्टमेंट करना है तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गेनर टू सैक्रिफाइजर की। वो कैसे पास करेंगे उसको समझ लें। ए बी सी और टोटल, ये हमारी गुडविल एक्स एंड कंपनी की है। कितनी है एक्स एंड कंपनी की? एक्स एंड कंपनी की है 75,000। तो आप 75,000 3:2 में इनको दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपने क्रेडिट कर दी। इसके बाद जो गुडविल वाई एंड कंपनी की है वो आपने 40,000 है, तो 40,000 आपकी 5:3 में चली जाएगी। तो ये 25,000 और ये 15,000 ये 40,000। टोटल जो क्रेडिट हुई है वो 45,000, 55,000 एंड 15,000 है, और ये है आपका 1,15,000।
अब गुडविल एक्स वाई एंड कंपनी में 1,15,000 जो आपका नया रेशियो है 4:5:1, उसमें आप डेबिट कर दीजिए। तो जब 4:5:1 में आप डेबिट करेंगे तो वो आएगी आपकी 11,500, 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 57,500 और 46,000 डेबिट। तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ 1,000 रुपया डेबिट, यहाँ पे 2,500 डेबिट और यहाँ 3,500 क्रेडिट, नेट इम्पैक्ट आपका ये आया। तो एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री इन एक्स वाई एंड कंपनी की जो बुक्स होंगी क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000, 2,500, 3,500, ठीक है। ये आपका गुडविल की एंट्री होगी। अब इन्होंने बोला है कि आप बैलेंस शीट बना दीजिए, तो बैलेंस शीट हम बना देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। देखिए जो कैश एंड बैंक है वो जोड़ दीजिए आप, कैश एंड बैंक दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 40,30, ये आपका 70,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो डेटर्स हैं उन्हें जोड़ दीजिए, वन लैख 40,000। क्वेश्चन में दिया है कि हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है। देखिए क्वेश्चन में सी पॉइंट देखिए, 5,000 और 4,000, तो 5,000 और 4,000 बनाएंगे प्रोविजन, तो कितना हो जाएगा 9,000 का। तो ये हमारे 1,31,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक एज इट इज लिख दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है व्हीकल्स, व्हीकल्स के बारे में लिखा है, व्हीकल्स कितने पे ले जाना है 74,000 पे, 90,000 के व्हीकल्स हम 74 पे ले जा रहे हैं, 16,000 की जो लॉस होगी वो पार्टनर्स में जाएगी। इसके बाद बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग 2,00,000 पे ले जाना है, मशीनरी 1,00,000 पे ले जाना है, बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। अब हम बात करते हैं रिजर्व क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर में हमारे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर जोड़ दीजिए कितना होता है, क्रेडिटर हो रहे हैं हमारे 1,75,000 के, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा यहाँ पे बचा है, एक तो कैपिटल अकाउंट लेना है हमें एबीसी के, और एक हमें करंट अकाउंट देखना है, वो हम देखेंगे और इसके बेसिस पर हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आपने देखा कितना सिंपल है। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट करने के लिए मुझे कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, वो मैं बना देते हैं।
चलिए वर्किंग नोट टू। देखिए फ्रेंड्स, हमें देखना है कैपिटल बैलेंस कितना है, ए बी सी, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो ब्रॉड डाउन थे एक्सेंट कंपनी के, वो कितने थे जरा देखिए, 150,000, 1,00,000। यहां पर आ जाएगा 150,000 और 1,00,000। और वाई एंड कंपनी के जो बैलेंस थे वो थे 75,000 और 50,000, 75,000, 50,000। ठीक है, वर्किंग नोट थ्री बनाइए, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस का, ये एक्स एंड कंपनी है और ये वाई एंड कंपनी है। एक्स एंड कंपनी में गौर से देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिल्डिंग हमारी 1,50,000 से 2,00,000 हो गई है। तो बिल्डिंग 50,000 रुपये प्लस हो गया, मशीनरी में 20,000 रुपये माइनस हो गया, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में 5,000 रुपये माइनस हो गया। सही है। सो टोटल हमारा 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 25,000 का प्रॉफिट हमारा ए और बी में बढ़ जाएगा 15,000, 10,000। यहाँ पर व्हीकल में हमें 16,000 का लॉस हो रहा है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में हमें 4,000 का लॉस है। तो टोटल हमारा 20,000 का लॉस है। ये हमारा बी और सी में बढ़ जाएगा 5:8 में, तो 7,500 and 12,500। ठीक है, अब इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को एक्स एंड कंपनी का जो है वो ट्रांसफर कर दें 15,000 और 10,000, और जो रिवैल्यूएशन लॉस है वाई एंड कंपनी का वो यहाँ पे कर दें 12,500 और 7,500। ठीक है, तो कितना हो गया जरा देख लें, अच्छा इनके रिजर्व्स भी पड़े हुए थे वो भी ट्रांसफर कर दें, रिजर्व कितने हैं इसमें, 50,000 है, 50,000 होंगे 3:2 में, 30,000, 20,000 और इसमें है 40,000, तो ये 25,000, 15,000। तो अब हमारे इन सब के बाद जो बैलेंस बचे इसका हो गया 1,95,000। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा जरा जोड़ें, ये 57,500 और इसका टोटल आ जाएगा आपका 1,85,000 और 20,000, 2,05,000, 2,30,000, 2,17,500। ठीक है, अब जो गुडविल की एडजस्टमेंट है उसको देखें कितनी है, तो इसमें 1,000 कम करना है, इसमें 2,500 रुपये कम करने हैं,
और इसमें 3,500 बढ़ाने हैं, तो ये हो गया 1,94,000, 2,15,000 और 61,000। इसको बेस मान के बाकी की कैपिटल हमें निकाल ली है, तो ये कैपिटल के बैलेंस हो गए। अब एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है, 2,15,000। अगर ये 5 की है तो 1 की आएगी 43,000 और 4 की होगी 1,72,000। इसको बेस मानेंगे जब, तो यहाँ 22,000 रुपये क्रेडिट और यहाँ 18,000 रुपये क्रेडिट। ये हमारे करंट अकाउंट हो गए। थोड़ी जगह कंजेस्टेड सी है बट क्या करें, हम चाहते थे कि एक ही में दिखे। सो नाउ कैपिटल आई हमारी 1,72,000, 2,15,000 एंड 43,000। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया 4,30,000 और करंट अकाउंट है ए का और सी का, 22,000, 18,000, तो ये हो गया 40,000। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो आएगा 6,45,000। फ्रेंड्स, बस मैंने थोड़ा इसको एक ही पेज पे कर दिया है, बट आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबली एक से ज़्यादा पेज पे कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए, जिससे क्या है, एक ही पेज पर आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट किए, गुडविल से हमने नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकाल दी। इसके बाद हमने कैपिटल बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में सिर्फ हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट के हमें बैलेंस निकालने थे, तो जो बैलेंस थे वो ले लिए, रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट्स थे वो ले लिए, रिजर्व्स ले लिए, तो ये बैलेंस बचेंगे। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट डाल दिया गुडविल के, जो हमने एंट्री पास की थी, इस एंट्री को हमने ये पास कर दी, तो बैलेंस हमारा ये बचा। इसी को इन्होंने बोला कि बी की कैपिटल को बेस मान लीजिए, तो बी की कैपिटल से हमने बाकी के एडजस्टमेंट कर दिए, करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए। इन्होंने आपसे जनरल एंट्री नहीं बोली थी, उन्होंने कहा था आपसे सिर्फ आप वर्किंग बना दीजिए, इसलिए मैंने वर्किंग फॉर्म में किया। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई दिक्कत है दोबारा वीडियो देखिएगा, पूरा क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।